संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू। 15 बैठकों वाले सत्र में जीएसटी विधेयक और फैक्ट्री संशोधन विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक सरकार के विधायी एजेंडे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि जैसे कि बजट सत्र का पहला चरण सफल रहा था, दूसरा चरण भी सफल होगा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उत्तराखंड के मुद्दे पर चर्चा की मांग के लिए उन्होंने लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन को नोटिस दिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का आज मतदान हो रहा है। उत्तरी 24 परगना और हावड़ा की 49 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। चौथे चरण के मतदान में कई दिग्गजों की किस्मत होगी तय। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए करीब 90,000 सुरक्षाकर्मी तैनात। उत्तराखंड हाईकोर्ट में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों द्वारा उनकी सदस्यता के रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज होगी सुनवाई। अदालत के फैसले से 29 अप्रैल को हरीश रावत सरकार द्वारा किए जाने वाले फ्लोर टेस्ट का भविष्य होगा तय। देश के कई राज्यों में प्रचंड गर्मी का कहर जारी। उड़ीसा के टीटलागढ़ में पारा 48 डिग्री के पार। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत उत्तरी भारत में लोगों का हाल हुआ गर्मी से बेहाल। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 16 कैडेट्स को अपने 6 महीने के कोर्स को दोहराना होगा। एकेडमी ने इन कैडेट्स के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। स्प्रिंग 2016 बैच के 16 अंडरटेनिंग जीसी कैडेट्स पर अपने जूनियर्स के साथ अच्छा व्यवहार ना करने का आरोप है। ग्रेटर नोएडा की दादरी में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान पुलिस सब इंस्पेक्टर अख्तर अली शहीद हो गए हैं। पुलिस की टीम यहां नई आबादी में आरोपी फुरकान के यहां दबिश देने गई थी, जहां उन पर फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान सब इंस्पेक्टर अख्तर अली को गोली लग गई। मुठभेड़ में 3 आरोपियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों और शहरों के बीच की खाई को पाटने पर दिया जोर। झारखंड के जमशेदपुर में पंचायती राज दिवस कार्यक्रम को किया संबोधित। खबरों के अनुसार शराब कारोबारी विजय माल्या का नाम ब्रिटेन के वोटर लिस्ट में। प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर विदेश मंत्रालय ने किया माल्या का पासपोर्ट रद्द। कहा, उन्हें ब्रिटेन से भारत लाने के लिए ली जा रही है कानूनी सलाह। असम और अरुणाचल में बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। असम में बाढ़ से 48,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। डिब्रूगढ़ जिले में बाढ़ में बहने से एक व्यक्ति की मौत। डिब्रूगढ़, तिनसुखिया और शिवसागर जिले के ऊंचाई वाले स्थानों में करीब 3,000 लोगों ने ली शरण। चीन ने तेज आर्थिक विकास के लिए भारत की तारीफ। कहा, वैश्विक आर्थिक मंदी से मुकाबले के लिए दोनों राज्यों को मिलाना होगा हाथ। भारत में और ज्यादा निवेश में दिखाई रुचि। चीन के विदेश मंत्री वान यी का बयान। अब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री करेगी आपकी नौकरी के भाग्य का फैसला। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने कहा, अगर किया है डिफॉल्ट तो नहीं मिलेगी नौकरी। ऑस्ट्रिया में धुर दक्षिण पंथी फ्रीडम पार्टी के उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में सबसे आगे। नोबार्ट हॉफर को मिले करीब 36% वोट। हॉफर को मई में दूसरे दौर की वोटिंग का करना होगा सामना। मुंबई से IPL 9 के मैच बाहर किए जाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मुंबई क्रिकेट संघ की याचिका पर आज सुनवाई करेगी। MCA का पक्ष वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, दीपक मिश्रा और शिवा कीर्ति सिंह के सामने अपना पक्ष रखेंगे। MCA की दलील है कि मैदान की हरियाली बरकरार रखने के लिए पीने का पानी नहीं इस्तेमाल होता है, बल्कि सीवेज का पानी साफ करके इस्तेमाल किया जाता है। पहलवान संदीप तोमर ने किया रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। मंगोलिया में संदीप ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल कर कटाया ओलंपिक का टिकट। तो वही चक्का फेंक में राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा पूनिया और ट्रिपल जंप में भारत की स्टार एथलीट रंजीत माहेश्वरी इंडियन को ग्रांड प्री के पहले सत्र में रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में नहीं मिली सफलता। स्टुटगार्ट ओपन के फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त सानिया हिंगिस की जोड़ी हारी। फ्रांस की कैरोलिन ग्रासिया और क्रिस्टीना नाविच की जोड़ी ने 6-2, 1-6, 6-10 से दी शिकस्त।